I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. Abhe ho bujhe hue chirag, jaldi aao. Good morning, Guru. Hey, tum kahan ja rahi? Wo chirag ka bachcha kahan hai? Us bichare ko bahut zor ka dard ho raha hai, Guru. Arey, jhoot bolta hai sala. Naam chirag hai, lekin uske andar se 400 bisi ka andhera nikalta rehta hai. जा बुलाओ उसको। अरे सच गुरु, उस बेचारे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए इस ट्रिप में अपने साथ लपेट लो गुरु। क्या तुम्हें और अपने साथ? हाँ गुरु, क्लीनर बनके चलूंगी। ए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अबे अरे चिराग, गुरु गुरु मेरी बात तो सुनो, अगर तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले गए और कहीं वो पैसे वाला आ गया और मुझे जबरदस्ती ले गया तो नहीं। अरे ये तो तुमने अजीब झंझट में डाल दिया, आ जाओ चल जाओ। अरे जी मेरे प्यारे प्यारे गुरु, थैंक यू थैंक यू। गुरु अपनी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी या हैंडल घुमाना पड़ेगा? ओ, अपनी गाड़ी को स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, स्विच मारते ही चालू हो जाती है। सियानी मत बन, चढ़ जा। राइट राइट, चलो गुरु। बच गया, ये चिराग बुझने से बच गया। नीचे उतरो। नीचे? मैं क्यों उतरूं? अरे तुम्हारी सूरत देखने के बाद लोग गंदी गंदी हरकतें करते हैं और एक्सीडेंट कर बैठते हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, कसूर तो मेरा है, अगर एक्सीडेंटों का यही हाल रहा ना तो चंबल घाट पहुँचते पहुँचते सेंचुरी हो जाएगी। चलो नीचे उतरो। मगर मैं यहाँ उतर कर जाऊंगी कहाँ? ये लो पैसे और कोई बस पकड़ लो, चलो उतरो। बीच रास्ते में थोड़े से पैसे देकर एक अकेली लड़की को उतार रहे हो, कोई बात नहीं, भगवान तुमको भी अगले जन्म में लड़की बनाएगा और तुमको भी कोई ऐसे ही छोड़कर जाएगा। चल 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 हट, तब पता चलेगा। अरे चल चल फुट। ये क्या गुरु, कोई हम पर गोली चला रहा है? अरे ये गोली की आवाज नहीं, टायर पंक्चर हो गया है। क्या टायर पंक्चर हो गया और वो भी इस जंगल में? तो पंक्चर क्या जगह देखकर होता है? ये फर्स्ट टाइम है, वरना मेरी गाड़ी का टायर कभी पंक्चर नहीं हुआ। मेरे बैठने से टायर पंक्चर हो गया क्या? ए बक बक बंद करो, देखो पंक्चर किधर हुआ है, उतरो। गुरु ओ गुरु, ये देखो ये टायर पंचर हुआ है। देखो गुरु टायर पंचर हो गया, इसमें हंसने की क्या बात है? जाओ जाकर जैक लेकर आओ। जैक वो कौन है? अरे जिससे लॉरी उठती है। कितना बड़ा होता है गुरु? इतना बड़ा? इतना सा जैक इतनी बड़ी लॉरी को कैसे उठा सकता है? देखो फजूल की हुज्जत मत करो, जाओ केबिन से जैक लेकर आओ। ठीक है। जैसी कोई चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तुमको जो साथी बनाएगा उसको जिंदगी में कुछ नहीं दिखाई देगा। बड़ी स्टाइल मल के कह रही थी मैं क्लीनर बन के चलूंगी, और घर से निकलते वक्त ये भी नहीं देखा कि जैक है कि नहीं। गुरु गुरु उधर से लॉरी आ रही है, रोको। हाँ रोको। स्टॉप स्टॉप प्लीज स्टॉप। अरे शेरा साहब, अच्छा हुआ आप मिल गए, अपना जरा जैक देना, टायर पंक्चर हो गया है। मैं देखता हूँ साहब। अबे ओए बैठ बैठ गाड़ी में साले। और क्या है कि आज मैं अपना जैक भी भूल गया हूँ, तुम कहो तो मैंने रास्ते में छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे यार सोचता क्या है, मेरा जिम्मा रहा ना। ए, ए, लड़की क्या करती है, फल चुरा रही, लाड़। चार फलों के लिए इतना क्यों मर रहा है, खाने देना भैया। खाने दे, कच्चे है, मुँह में खुजली हो जाएगी, लाड़ रहा। तू तो भैया कहने की भी लायक नहीं है। अरे शेरा साहब ऐसे शोर मचा रहे हो जैसे फल नहीं कोई सोने की ईंट है, नहीं देना तो ले जाओ यार। अरे जा रहा है यार, एक तो फल चुराते हो ऊपर से रोप डालते हो, चलो उठो। अरे जाओ यार, चल बे। अरे पता नहीं कहाँ चला है। गुरु फल खाओगे? फल तो वो छीन के ले गया, तू क्या हवा से तोड़ के लाएगी? तुम्हें फल चाहिए क्या, सिर्फ इतना बोलो। अरे मगर है कहाँ, ये रहा। ये तू कहाँ से निकाली? जब वो तुमसे बात कर रहा था तो मैंने चुपके से एक मार दिया, लो खा लो। मुझे नहीं चाहिए।
ये गुदा तो मीठा होना चाहिए, मगर ये तो अजीब सा है। गुरु, ये देखो, ये कोई और चीज है। क्या? ये तो अफीम है। अरे बाप रे माँ, इसका मतलब ये लोग फलों में अफीम स्मगल करते हैं। तुम यही ठहरो, मैं पुलिस को बुला कर लाता हूँ। ठहरो, नहीं नहीं, यहाँ अकेले नहीं रह सकती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ओहो, आओ। अले मेला बेटा बेटा, अले तेरा नाक कितना गंदा हो गया। अले आइसक्रीम क्या, मैं तेरी आइसक्रीम की फैक्ट्री खोल दूंगा बेटे। बाबू बाबू, मेरे लिए गोला बन जाओ ना। अले मैं तेरे लिए गोला क्या, मैं तो गधा बन जाऊंगा बेटे। चल मेरे गोले तुक तुक तुक, चल मेरे गोले तुक तुक तुक, चल मेरे गोले तुक 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 तुक। अबे रो क्यों रहा है, तेरा बाप मर गया क्या? अरे मेरा बाप नहीं मरा, लेकिन मैं जरूर मर जाऊंगा। वो क्या है कि मुझसे बच्चे पैदा नहीं होते ना, इसलिए मैं अपने बाप के मुंह से रोज गालियां सुनता हूँ, हथौड़े खाता हूँ, जूते खाता हूँ। भाई साहब, आपके पास जहर है, मुझे थोड़ा जहर दे दो, मैं जहर खा के ट्रेन के नीचे लेट कर खुदकुशी कर लूंगा। अरे ये कौन सी स्टाइल की खुदकुशी है, पहले जहर खा लेगा फिर ट्रेन के नीचे लेट जाएगा। भेसुरा रो रहा जैसे कोई मिल का बोपू बज रहा हो। मुझे लगता है तेरी बीवी बच्चा जनने के लायक नहीं है। मगर दोस्त, एक आइडिया है, अगर तू उस आइडिया का साथ दे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुझको बच्चा जरूर पैदा होगा। अबे क्या कौन सा आइडिया, जल्दी बताओ। अरे वो ढाबे वाली चंदा को जानते हो ना? बस उसके पास पहुँच जाओ और वहाँ जाकर क्या करो, अगर तू मेरा कहना मान ले तो 6 महीने के अंदर अंदर तेरे दरवाजे पे लॉरी खड़ी होगी। वो कैसे? अरे वो ऐसे कि सिकंदर लाल ठक्कर जो 500 लारियों का मालिक है, उसका एक बेवकूफ बेटा माखन, उसको मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। क्या? उसे एक बेटे की जरूरत है। तो मैं क्या करूँ? मैं उसको तेरे कमरे में भिजवा देता हूँ। हरामखोर बेईमान दलाल की औलाद, तुझे जीते जी कीड़े पड़े, तूने मुझे समझ क्या रखा है? मेरी बात है, मुझे कुछ नहीं सुनना। एक तो वैसे ही महीने से पैर भारी है, मैं गर्व से हूँ, ऊपर से तू गंदी गंदी बातें करता है। अरे गंदी, अरे चुप, साला तुझमें शादी करने की हिम्मत नहीं है तो किसी जानवर को लाके मेरे दरवाजे पर खड़ा कर दिया। अरे सुन तो सही, दिमाग के कार्बोरेटर पर जोर दे, बुद्धि का इंजन जो फेल हो गया है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये जो माखन है ना माखन, इसकी शादी को 5 साल हो गए, अभी तक गर्भवती नहीं हुआ। क्या? मेरा मतलब इसकी बीवी गर्भवती नहीं हुई। मैं उसके लिए घोड़ा सुलाऊ दारू लेकर आया हूँ। क्या सुला? घोड़ा सुलाऊ। अंदर आने से पहले मैं उसको इतनी पिला दूंगा कि कमरे में घुसते ही वो मरे हुए बैल की तरह औंधा गिर पड़ेगा। बस इंटरवल, फिर उसके बाद? उसके बाद, उसके बाद कुछ दिनों में तू उसको कहना कि तू गर्भवती हो गई है, घबरा कर वो तुझ पर एक लॉरी चलाएगा, और मेरा मतलब एक लॉरी तेरे नाम लिख देगा। बस उसके बाद अपन दोनों शादी कर लेंगे। अरे मान गई? अरे बड़ी मुश्किल से राजी किया है, मालूम है? सच? दारू किधर है? अरे ये रही, एक ही सांस में अपने पेट की टांकी में उड़ेल लो। फिर से पी जा शेर बच्चे। मेरे बच्चे को पैदा करने वाली कहाँ है? अरे इस माखन की चंदा, अरे तू कहाँ है? आजा मेरे चंदा, मेरी दुनिया में बहुत अंधेरा हो गया है, बच्चों का बल्ब जला के उजाला कर दे रहे हैं। मेरे चंदा, मेरी चंदा। देखा, इसे कहते हैं फुल स्टॉप। अब चांदनी और चिराग का होगा मिलाप, जल्दी कर वरना आइडिया ना हो जाए फिर। गुरु, सोएंगे कहाँ हम लोग? हम लोग? अब मेरा मतलब है कहाँ सोएंगे? तुम केबिन में सोगी और मैं उधर, चलो चलो चलो। बाप रे, खाती पीती है। जंगल में बंद हो और हाथी आ जाए। अरे बाप रे, नाम लेते ही आ गया। गुरु, क्या है? हाथी चिंगाड़ रहा है। तो चिंगाड़ने देना, तेरे गले में क्यों तकलीफ हो रही है? सुंड में उठाकर कहीं पटक दिया तो? गुरु,
अरे हाथी सियाना जानवर है, कोई फालतू चीजें नहीं उठाता। चल सो जा। गुरु गुरु मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे पास आकर सो जाऊं? ओहो क्या मुसीबत है, जा जाकर ऊपर कैरेट में सो जा। क्या गुरु लंबाई मुझे पूरी पड़ जाएगी? ओफ, अगर पूरी नहीं पड़ेगी तो सुकड़ कर सो जा। अरे जा। जाती हूँ बाबा, इतना भड़कते क्यों हो? गुड नाइट गुरु। गुरु, गुरु। ओहो क्या मुसीबत है, आप क्या हुआ? शेर धाड़े मार रहा है गुरु। तो धाड़े मारने देना, तेरे पेट में क्यों तकलीफ हो रही है? गुरु छलांग मारकर ऊपर आ गया और मुझे पंजे मार मार के शेर फट के मुंह खा गया तो? नहीं 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 नहीं। अरे शेर को मालूम है कौन सा जानवर खाना चाहिए और कौन सा नहीं, तुझे खाकर शेर को अपना पेट खराब करना है क्या? चल जा सो जा। फिर भी रिस्क क्यों लेने का गुरु, नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ तौबा, कहाँ फंस गया? ठीक है चल नीचे आकर सो जा। कहाँ सो गुरु? तुम्हारे बगल में? बगल में? मेरा मतलब है कौन सी जगह? ए ज्यादा बकवास मत कर, इधर सो जा। कितने अच्छे हो ना गुरु, बहुत ठंड लग रही है, जरा अपनी चादर में आने दो ना। ए, 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 लगता है थोड़ी देर के बाद कहेगी कि मैं कुछ पकड़ सो जाऊं। आपको कैसे मालूम हुआ? अबे जब मैं आदमी हूँ, कोई होटल का कमरा नहीं, देख नहीं रही कि डू नॉट डिस्टर्ब लगा हुआ है, फिर भी घुसी जा रही है? आंखें मुंह बंद करके सो जा। अरे माँ ये भगवान, बहुत ठंड लग रही है। ओ, 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 ओ। ये ले चादर, अकेली उठ के सो जा। थैंक यू गुरु, इसकी क्या जरूरत थी, खामों का तकलीफ उठाने की। खामोश। भगवान के लिए चुप हो जा। गुरु, गुरु बचाओ। ओ। ओ गुरु, छोड़ दो मुझे। गुरु। अरे वाह वाह चमिया, छोड़ दे तो पहले पत्ता खिला लो तुझे। ए जादम की स्मगलिंग करते हैं। बहुत दिनों से पुलिस को तुम लोगों की तलाश थी, चलो अब बताता हूं। थैंक यू फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर विश्वा। वेलकम। थैंक यू, ले जाओ इसे। लेकिन मैंने क्या किया? अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गई हूँ और भूख भी बहुत लग रही है, कुछ खाने को दो ना। अच्छा अकेले गुंडों से लड़ाई मैंने की और थक तुम गई हो और भूख भी तुम्हें ही लग रही है। हाँ तो तुम लड़ रही थी और मैं देख रही थी, देखने में भी तो ताकत लगती है कि नहीं? जल्दी से फटाफट कुछ दो, मुझे बहुत भूख लगी है। देखो भाई यहाँ तो कुछ नहीं है, बचा तो सिर्फ मैं हूँ, मुझे खा लो। तुम्हें खा लो। जायका बुरा नहीं है। ए, चल 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 सीधा चल चल। विडान कंपनी को चोर आदमी। हेलो, ये कौन सा टाइप है? हजार बार मैंने क्या, किस लाल फोन को हाथ मत लगाया कर, मार खा खा के गाल लाल हो गए, मगर तुझे अकल नहीं आती है? क्यों, इसकी वजह क्या है? इस लाल फोन में से क्या लाल रंग की आवाज आ रही है? रंग नंबर चक्कर, मैं शेरा बोल रहा हूँ, गोपी नगर के पुलिस स्टेशन से। माल के साथ साथ नहीं पकड़ा जाए, सामान का बंदोबस्त करो। अच्छा अच्छा, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। राजन एक काम कर, का लेकर गोपी नगर जा, वहां पुलिस स्टेशन में शेरा पकड़ा गया है, उसको जमानत में छुड़ा के ला, मगर एक बात का ख्याल रहे
किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि शेरा पकड़ा गया। ओके डैड। लो भाई मेरा काम हो गया। अच्छा तो गुरु मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ क्या हुआ? हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे जीवन की नैया में खड्डा हो गया। अरे सब कुछ लुट जाने के बाद रोने चिल्लाने से क्या फायदा? क्यों भाई क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो हुआ जो आज तक इस मोहल्ले में कभी नहीं हुआ। इसको एक छैल छबीले नौजवान से प्यार हो गया, इसका जिया बेकरार हो गया, बेकरारी में लिमिट तोड़ दी और मामला सरहद के पार हो गया और इसी कारण इसको 3 या 4 महीने का गर्भ हो गया। मैं जब इसको पूछता हूँ कि अरे कौन है वो, तो बजाय सीधा जवाब देने के उल्टी उल्टियाँ करती जा रही है। अरे चंदा बता दे वो कौन है? वो बहादुर इंसान मैं हूँ। जी आप ची, ऐसा काम कभी कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकता? आप सब लोग कहते थे कि मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं ये हूँ। ये साबित करने के लिए मैंने इसे गर्भवती बनाया। नहीं नहीं बाबूजी, आप इस लड़की की इज्जत बचाने के लिए, इसकी मदद करने के लिए किसी और का इल्जाम अपने सर ले रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है। ये बड़ापन नहीं है थू, बल्कि छोटा पन है। इसके पेट में पलने वाले छोटे से बच्चे का बाप मैं हूँ, मैं। अरे रे रे रे, कमाल है। ये बेचारे खुले शब्दों में कह रहे हैं कि तेरे होने वाले बच्चे के बाप यही है, फिर तू क्यों रोए जा रही है? वो इसलिए कि मैं तो इनकी दूसरी पत्नी बनकर रहने को भी तैयार हूँ, पर इनसे पूछो ये राजी है या नहीं। अरे इस छछुंदर के तेल से जलने वाले चिराग को बीच में क्यों डालती है? सीधा मेरी आंख से आंख मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर मुझसे पूछ, मैं तैयार हूँ। मैं तुझे दिल के झोपड़े में राजकुमारी बनाकर रखूंगा। चिंता मत कर माखन की चंदा, चिंता मत कर। अरे लक्ष्मी ये क्या, आज इतनी सारी तरकारी किसके लिए काट रही हो? आज मेरे भैया आ रहे हैं ना, और उन्हें ये तरकारी बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुझे अपने भैया से इतना प्यार है कि उनकी हर पसंद और नापसंद का तुझे पता रहता है? बिल्कुल, मेरे भैया जो हैं, वो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, मालूम? अच्छा तो एक बात बताओ, जब हमारी शादी हो जाएगी और हम ये बस्ती छोड़ के चले जाएंगे, तब उनका क्या होगा? क्या होगा, हम जहाँ जाएंगे भैया को साथ लेके जाएंगे, उनके बगैर तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और फर्ज करो अगर तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ आने के लिए राजी नहीं हुए, तो मैं तुम्हारे साथ शादी का इरादा ही दिल से निकाल दूंगी। क्या गुरु, तुमसे तुम्हारी बहन की स्पीड बहुत ज्यादा है। अरे बेटा विश्व प्रताप, अगर मेरा बेटा अरुण मुझे पहले बता देता तो मैं तुम्हारे घर सर के बल आता। इससे बड़ी मेरी खुशनसीबी और क्या हो सकती है कि तुम्हारी बहन लक्ष्मी मेरे घर में बहू बनकर आ रही है। तो मैं लगन का शुभ मुहूर्त निकलवाऊं? अरे बेटा शुभ काम में देर कैसी, कल ही मिलो पंडित से। मैं पूछता हूँ शेरा, तुझे विश्वास से झगड़ा मोल लेने की जरूरत क्या थी? अरे यार मैं अपनी गाड़ी में खूबसूरत चिड़िया बैठा के ले जा रहा था। चिड़िया? कौन सी चिड़िया? अरे चिड़िया का मतलब है खूबसूरत लड़की। कहाँ है? ए, क्या है पलड़ा चल। अरे वो लड़की ले जा रहा था, तुझको क्या करना है, पीछा करने की क्या जरूरत थी? आइए आइए ईश्वर प्रसाद जी, फरमाइए। ठक्कर साहब, ये मैं अपनी बेटी की तस्वीरें लाया हूँ, ये जरा अपने ड्राइवरों और क्लीनरों को दिखाइए और उन्हें कहिए कि वो आते जाते रास्ते गांव शहरों में उसे तलाश करते रहें और नजर आते ही मुझे खबर कर दें। इतने लंबे चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है? हा? इसको सीधे से अखबार में छपवा देते हैं, एक दिन पूरे देश में खबर फैल जाएगी। नहीं नहीं ठक्कर साहब, अब तक जितनी बदनामी हो चुकी है, जितनी चोटें खा चुका हूं, उतनी मेरे लिए काफी है। अब अगर लोगों को पता चला कि मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई है, तो मैं समाज में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहूंगा। शेरा ए, देख ये लड़की। अरे टक्कर, यही है वो चिड़िया। शेरा, मेरी बेटी के लिए गलत शब्द निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे क्या बकवास करता है, इनकी बेटी है। इनकी बेटी? सेठ जी मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन पार्टनर इसी लड़की को मैंने विश्वा के साथ देखा है। हाँ इसको? हाँ अब तक विश्वा घर आ चुका होगा। हाँ डैड, वो तो कब का आ चुका है। फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शिमारू मी ऐप नाउ।